कवि भाई संतोख सिंह जी दसदे हन वेखो उस समय दा 17,000 धन लगा है इन्हां दोहां बर्षियां नूं बण दे विच बाशक समदर साए बाशक नाग दी तरह काले रंग दे दिखदे हन ए बर्षे श्री प्रभ दोनां लए हाथ माहे बालक सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने यह दोवें वर्षे अपने हाथ विच पकड़ लए हन परखे तोलन कीना परख करके महाराज जी ने दोहां वर्षियां दा भार तोलिया है उंचर के मस्तक को फोरन खूनी हाथी दे मथे नूं पाड़न वास्ते एक तिन मैं ते दीना एक उन्हां दोहां वर्षियां दे विचों भाई बचित्र सिंह जी नूं बख्शिया महाराज जी ने फल फुलाद कीमत बहुते की जिहड़ी ए नागनी वर्षा है इसका जिहड़ा फल है अगे इसका जो फल लगा होया बहुता फुलाद दा बहुती कीमत दा बनिया होया है लोहा बीदन वारो लोहे नू कटन वाला इस नागनी दा फल है अगे लगा होया ले बचित्र सिंह बंधन की नसा ऐसा नागनी वर्षा ला करके भाई बचित्र सिंह जी ने महाराज गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी नू दंडौत कीती है तत छेना पा बल पारो जदो महाराज जी दे चरण स्पर्श कीते हन छेती दे नाल भारी बल शरीर दे विच प्रवेश कर गया है विद्या अधिक बहुत सिखराई जेड़ी नागनी चलाउण दी विद्या सी महाराज जी ने बहुती सिखाई है भाई बचित्र सिंह जी नूं एम गह कर गज मारो भाई बचित्र सिंह इस प्रकार नागनी पकड़ करके हाथी नूं मारना करे सकल भेद को जान्यो तूरना सतगुरु जी ने जेड़ा सारा भेद दस्या भाई बचित्र सिंह जी छेती ही सारे भेद नूं जान गए हन गुर करना उर तारो सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज राज जी की कृपा नूं हिरदे विच धारण कीता अथवा सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने कहा भाई बचित्र सिंह धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी की कृपा अपने हिरदे विच धारण कर करे बचित्र सिंह अपन बेनती जदों सतगुरु जी ने ऐसा वचन किया फिर भाई बचित्र सिंह जी ने महाराज जी नूं बेनती की है हार जीत न जानो सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह मैं हार जित नहीं जानदा जित प्रेरो तित गम न सनमुख महाराज जी आप जी जिधर प्रेरोगे जिधर भेजोगे मैं सामने चल करके जावांगा बुद्ध अर बल सब ठानो मैं अपनी सारी बुद्धि लावांगा सारा बल लावांगा वाहे मरण की चिंता कोई सतगुरु जी आप जी दी ऐसी बख्शिश है मेनू मौत दी कोई चिंता नहीं मरण दा कोई डर नहीं है तो मैं दास की लाज आप जी नूं ही दास दी सेवक दी लाज है जी हरा होन मिस मेरो एक है सतगुरु सच्चे पातशाह हाथी दे अगे खड़े होन दा मेरा तां एक बहाना है आप करो निज काज आप अपने इस कार्ज नूं कृपा करके आप ही करोगे दास उचित आयस को मनना सतगुरु सच्चे पातशाह दास वास्ते सेवक वास्ते तां इहो योग है हुक्म मनना तुम पूर्ण निर्बा आप जी ने ही अपने कार्ज नूं पूरा करना दास दी लाज आप जी ने ही निभाउणी है जग मैं सुजासा पर लोक महा सुखा सतगुरु सच्चे पातशाह मैं जानिया है आप जी ने कृपा कीती है इस संसार दे विच भारी श्रेष्ठ जस मेनू बख्शन लगे हो ते परलोक दे सुख देण लगे हो मन जान्यो इस माहो महाराज जी मैं इस हाथी नूं नाश करन दे विच जानिया कि आप जी मेनू ए सारे सुख देण लगे हो जैम श्री कृष्ण भीम को बल दे जिवें श्री कृष्ण जी ने भीम चंद नूं सो भीम सैन नूं बल दे करके जरा संध मरवाया सी राम चंद्र सुग्रीव ओज दे ते श्री राम चंद्र जी ने सुग्रीव नूं बल दे करके बाली को हतवायो बाली नूं नाश कीता सी तथा कृपा कर मुझते कारज कहने ही सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह आप जी कृपा करके मेरे को एक कार्ज जेड़ा है आप बनावन चाहो आप जी मेरे को करवाना चाहते हो दीजा वीर रास रहो मत मोहे मत सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह भाई बचित्र सिंह जी ने हाथ जोड़ करके बेनती की महाराज सच्चे पातशाह जी ऐसा वीर रस चढ़ दियो मेरी मत नू के मेरी बेड़ी बुद्धि मस्त हो जावे आप दुर्द को गाहो सतगुरु जी आप ही कृपा करके बाल बख्श करके हाथी दा नाश करवाओ सुन प्रसन्न कलगीधर होवेका ऐसे वीर रसी बचन सुन करके भाई बचित्र सिंह जी दे महाराज गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए हन कृपा करी सवाई कृपा करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बहुत ही मेहर दी निगाह कीती है भाई बचित्र सिंह वल्ले कृपा ते चढ़ियो वीर रस बिसार तब जदों सतगुरु जी दी ऐसी कृपा होई है
कृपा दृष्टि पई है। महाराज जी ने वीररस नु आग्या देती, वीररस चढ़ गया भाई बचित्र सिंह जी नु। लाली लोचन छाई, भाई बचित्र सिंह जी दे नेत्र लाल हो गए हन। पावे चढ़ी कमान मनिंदा, जेड़े भाई बचित्र सिंह जी दे परवटे हन कमान दे नाल टेढ़े हो गए हन। मोछन पार कर फेरा, सूरमे ने वीररस विच आण करके अपने मशारियां ते हाथ फेरिया है। खड़ग सिपर ते कमर कसी देड़ा, अपने सो गल दे विच कृपान पाई है, ढाला कमर कसे विच कस लिया पक्का करके। वर्षा कर मैं फेरा, जेड़ा नागनी वर्षा महाराज जी ने दिता हाथ विच कमाया भाई बचित्र सिंह जी ने। बख्शियो बाल विशाल कलगी धर, गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने भारी बल शरीर दे विच बख्श दिता बचित्र सिंह जी दे। वध गयो मन उत्साहू, मन दे विच बहुता उत्साह वध गया भाई बचित्र सिंह जी दे। कुंचर कोप पील का जानत, ऐसा बल आ गया भाई बचित्र सिंह जी दे हृदय दे विच शरीर दे विच के पहाड़ियां दा खूनी हाथी कीड़ी दिखाई दे रहा है। हाथा तुरत रण माहू, ऐसी विचार कीती भाई बचित्र सिंह जी ने, इस कीड़ी नूं तां मैं छेती जंग दे विच मसल सुटांगा। वध्या प्रमोद भयो तब गद गद, ऐसा वीर रस चढ़ गया के बहुता आनंद आ रहा हृदय दे विच, गद गद हो गया भाई बचित्र सिंह। परयो चरण गुर आगे, इस प्रकार महाराज जी दे चरणा ते डिग पिया भाई बचित्र सिंह। दे थापी तत्काल उठायो, सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी ने सजे हाथ दे नाल थापी दे करके छेती उठाया भाई बचित्र सिंह नु। करा युद्ध अनरागे, सतगुरु जी ने हुक्म कीता भाई बचित्र सिंह वीर रस विच भिज करके युद्ध मचा दे। जातर प्रदक्षिणा दे प्रभ केरी, सतगुरु जी दा हुक्म सुन करके भाई बचित्र सिंह ने चार परिक्रमा कीतियां ने मालिक सतगुरु जी दियां। सब सो फतेह बुलाई, सारे सिंघां नु तदों उच्ची गज के फतेह बुलाई है भाई बचित्र सिंह जी ने। तिथत खालसा चलियो अगर काओ, सो सारे सिंह सुर में वेख रहे हैं भाई बचित्र सिंह जी अगे नु चल पए हन। आसवर दृष्ट चलाई, अपने बड़ी घोड़े ते निगाह मारी भाई बचित्र सिंह जी ने। कर बंधन पागा पयो अरुडना, सो ऐसी ये मर्यादा है निहंग सिंह सूरमे भी जदों घोड़े ते सवार होया करदे ने पहलों घोड़े नु नमस्कार करदे हन। ए कोई मानमत नहीं, सतगुरु जी दे घोड़े जान करके, महाराज जी दा बख्शिया घोड़ा जान करके भाई बचित्र सिंह जी नमस्कार करके ਧੌਣ ਦੇ ਕੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਵਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਹੁਲਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਣੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਗ ਤਰੰਗ ਕੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਲੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਪਧਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਅਧਿਕ ਉਚੇਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰੂੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਹਨ, ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਕੋ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੋਵਨ ਗਜ ਕੋ ਕੂੜੇ, ਝੂਠੇ ਮੂਰਖ ਪਹਾੜੀਏ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ, ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਢਿੱਗ ਬੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਕਿਰਪਾ ਜਿਮ ਬਾਕ ਬਖਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਮਾਨਤ ਹੈ ਤੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਿਸਕੋ ਪ੍ਰੇਰੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੇਰ ਸੱਤਰ ਸਮਦਾਏ, ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਢੋਲ ਦੁੰਦ ਬਰਾਣ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੋਲ ਰਣ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਦ ਵਿਸਾਲ ਉਠਾਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਾਂ ਦਾ। ਗਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਓ ਬਹੁ ਗਾਡੋ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਲੋਹੇ ਸੰਗ ਅਛਾਦਾ, ਸਾਰਾ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੌਂਡਾ ਫੇਰਨ ਕਰ ਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਮਕ ਸੈਫ ਪਟ ਬਾਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸੈਫ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਜੋਧਾ, ਚਮਕ ਸੈਫ ਪਟ ਬਾਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੇ,
इत उत सौंडा फेरन कर तो जरा मस्त हाथी अपनी सुंड इधर उधर फेरदा है शराब नाल रज्या होया चमक सैफ सैफ पट बदा इसकी सुंड दे जेड़ी सैफ बदी हुई बहुत ही चमकदी है दुश्मन का नाश करने वाली एक लाख गिनती को योधा एक लख गिनती दे योधे हैं पहाड़िया दे चढ़ करके जेड़े आ रहे हैं वन सतवंज हजार फिर सतवंजा हजार होर उत्ते जान लो थंग केसरी चंद सो लैके ऐसी सेना जेड़ा केसरी चंद राजा ना लै करके हेला कालन त्यारा हल्ला करने वास्ते त्यार पर त्यार हो गया है सुथरी तौंस दीर्घा पे रहे सो सुथरिया तौंसे दीर्घा जेड़िया बहुत ही भयानक आवाज दे विच पेरिया जेड़िया वजदिया ने जंगी साज डफ गाना ढोल समूह बहुत ज्यादा ढोल ते डफ बाज रहे हैं पटे बांसरी बजी नफीरी पटे बांसरिया नफीरिया ए बज रही ने जंगी साज पट उमडे ए तहुहंग रौला पाउंदी हुई पहाड़ी सेना उमड़ पई है चढ़ पई है लोह गड़ दे किले नू मार मार कह रौर परियो बड मार लो दा रौला पै गया पहाड़ी सेना विच तो मर लई हजारा हजारा ही पहाड़ी सेना ने हथा विच बरछे पकड़ ले हन खड़ग सिपरले फांदन करते हथा दे विच कृपाना ढाला लै करके कुद कुद के आ रहे हैं पहाड़िए छाला मार दे आ रहे हैं लोह गड़ वाल नू तड़पड़ तुपक उदारा तड़पड़ कर दिया गोलियां चल रही हैं तुरंग केसरी चंद फंदायो जड़ा केसरी चंद राजा अपने घोड़े नू टपा रहा है सब ते आगू हुआ कर सारे दा आगू बन करके अगे आ रहा है आज लोहगढ़ तोड़ा भिड़का ये सोचता आ रहा कि आज जंग करके लोहगढ़ दा किला तोड़ सुटांगा शपथ हृदय से मराका जड़ा इसने प्रण किया जड़ी प्रतिज्ञा की उस नू हृदय चेते कर रहा मूर्ख आलम सिंह बलोकत बोले जदो ए केसरी चंद राजा सामने अपने घोड़े नू टपाउंदा होया आ रहा सी भाई आलम सिंह जी इस केसरी चंदे वाले वेख करके बोले हन रब जी यह जसवारी हे मालक सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह आओ जेड़ा सामने आउंदा है जसवालिया केसरी चंद जे महा सतर अहंकार बडेरा महाराज जी वड्डा दुश्मन है साडा बहुता अहंकार है इसनू अपने बल दा सब मैं शपथ उचारी महाराज इसे ही केसरी चंद ने सारे राजां दे विच प्रतिज्ञा कीती सी हाथी नू लियाउण दी आज जंग मैं इसे संघार है महाराज आग्या दे दियो आज जंग दे विच इसका सिर वढ दईए सैलेंद्रन हथ तीरंग पहाड़िया दे तीरज नास हो जावेगी करा खालसे पर निज करना ए सतगुर सच्चे पातशाह खालसे दे अपनी कृपा कर दियो इत ते भेजा बीरंग इधर सतगुरु जी को सूरमा छड़ दे इसका सिर वढ़न वास्ते अपर कार लड़ मारन केरी होर जेड़ा कार्ज है जंग दे विच लड़न ते मरन दा हो ना करे रण माही जेड़ा सूरमा इधरों जावे होर किसे कार्ज नू ना करे जंग विच जा करके हते केसरी को कर उद्दम केवल जा करके केसरी चंद का सिर वड्डा उद्दम करके बढ़ करके रेपा निर्बल हो जाही महाराज इसका सिर वड्डन दे नाल पहाड़िए दुश्मन निर्बल हो जाणगे बल तो हीणे हो जाणगे श्री कलगी तर सुन त बखानी श्री कलगी तर सच्चे पातशाह महाराज जी ने भाई आलम सिंह जी दी बेनती सुन करके वचन कीता नेकी बात बताई भाई आलम सिंह आ वचन तू चंगा दसिया है जैम बचित्र सिंह गज पर गमन जैम भाई बचित्र सिंह हाथी दा नाश करने वास्ते चढ़ करके गया है तेम को इस पर जाई तेमे ही को सूरमा उठे इस केसरी चंदा सिर वढ़न वास्ते सिर निकंद कर हम टिग आने दोष दा सिर वढ़ योदा उठे लै करके खड़ग के साथ पै हो करके नसंग हो करके कृपा दे नाल इसका सिर वड्डे धार विश्वास महत उत्साहत बहुता विश्वास धारण करके बहुते उत्साह दे सहत ओ टेक कर पग माथा कोई सूरमा उठे साडे चरणा दे मथा टेक भाई उदय सिंह जी उठे ने नेत्र लाल करके बोलियो जोरत हाथा हाथ जोड़ करके पिता सतगुरु जी दे सामने बेनती कीती करो दास को आयस श्री प्रभ हे मालिक सतगुरु कलगी सच्चे पातशाह दास ते सेवक किते कृपा कर दियो हुक्म फरमाओ दास नू मैं लड़ा रिप साथ महाराज जी मैं जा करके दुश्मना दे नाल लड़ांगा जंग खेत मैं हतन कहां एहो महाराज जी जंग दे मैदान दे केसरी चंद दा सिर वड्डन दी केड़ी गल है जे अब लोक पलावे महाराज जी जे मैनू वेख करके नथ भी उठिया ना केसरी चंद जंग विचों दुर्ग सैल मैं जाए प्रवेश ते जे जा करके अपने पहाड़ा दे विच किले दे विच जा करके प्रवेश कर गया लुक गया जा करके मैनू वेख करके तहां ना प्राण बचावे सतगुरु जी वरगे दी जान नहीं छड़ांगा
ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅਪਰ ਮਰ ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਿਸਕੇ ਪਾਸਾ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਕਰਾ ਚੋਲ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ ਸੀਸ ਬਿਨਾਸਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੈ ਕਹਿ ਅਰੇ ਲਰੇ ਇਹ ਮੂਰਖਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਅੜ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾੜਕੀ ਰਾਣਕੀ ਬਾਜ ਨਾ ਲਾਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਲੇ ਫਲ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਕੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਮੁਖ ਕੂੜਕ ਭਾਗੀ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਸਵਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲਗੀ ਤਰ ਹੋਏ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਤਬੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜੀਨ ਪਵਾਏ ਅਨਾਇਓ ਤੂਰਨਾ ਕਾਠੀ ਪਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਲ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਦੇਰਗ ਖੜਗ ਕੋਸਤੇ ਦੀਨਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌੜਾ ਤੇਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਪੁਲਾਦ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਿਆਨਕ ਸਖਤ ਫੁਲਾਦ ਦਾ ਤੇਗਾ ਹੈ ਬਲ ਤੇ ਹਤੇ ਲੋਹ ਕੋ ਕੱਟ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਤੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਧੌਣ ਕੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਕੱਟ ਦੇਵੇ ਐਸਾ ਤੇਗਾ ਹੈ ਮਾਨੁਖ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਖਾ ਦੁਤੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਲਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਐਸਾ ਕਲਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੇ ਬਲ ਉਤਸਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਧੇ ਉਤਨ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਨੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕੜਸੋ ਬੰਦ ਖੜਗ ਬੜ ਢਾਲਾ ਵੱਡਾ ਢਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿਚ ਕਸ ਲਈ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੁਮਰਾ ਹੱਥ ਮਜਾਰਾ ਕਲਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਜ ਲੰਮਾ ਉਸਦਾ ਫਲ ਹੈ ਐਸਾ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤ ਭਇਓ ਜਬ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨ ਉਦਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਕ ਮੁਛਾ ਰਹੇ ਕਰਤਬ ਗਮਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮਛਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਾਸਵਾਰ ਕਿਕਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀਰ ਰਸ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਈਸਨ ਕੀ ਚਮੋ ਘਨੀ ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਉਠਾਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਮੈਂ ਉੱਠੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਪਕ ਤਮਾਚੇ ਚਾਂਪ ਤੀਰ ਖਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਸਤੌਲ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਤੇ ਤਨਕ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਗਏ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਧਾਏ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਦ ਪਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਆਜ ਭੇੜ ਓੜਕ ਕੋ ਪਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੰਗੀ ਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਣ ਮਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਅਨੀ ਘਣੀ ਤੈਨਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚੜ ਕਰਕੇ ਲੜ ਕਰ ਮੂਰਖ ਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਅੱਗੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੋਹਗੜ ਵੱਲ ਵਧੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਸੋ ਲੋਹਗੜ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਰੂੜ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਗੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਰੌਚਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਦਸ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲੰਗੀ ਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਸੋਧ ਸਪਸ਼ਟ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ
लेखा कतन छुटिया खिन खिन पूलन हार बख्शन हार बख्शला नानक पार उतार। आज पेड़ ओढ़क को पर है गुर प्रताप ते मार कहां पयो जो अनी कनी तेरा लाकर मूर्ख। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहेब जी दोहरा दोनों दीर्घ सूर में दोहे ही आतरथी सूर में ने सवा सवा लख ते पारू हन भाई बचित्र सिंह जी ते भाई उदय सिंह जी अपर सिंह समदाए और जेड़े नाल बहुते सिंह सूर में हन चले लरन के हित को जंग करन वास्ते ए दोवे सिंह सूर में चल पए हन महाराज जी दे कोल जह रण खेत बनाए जिथे लोहगढ़ दे अगे जंग दा खेत बनया होया है चंपक माला छंद दीर्घ रौरा द्वै दिस होवा दोहां फौजां दे विच बहुत ज्यादा उठ रहा है जात हाथी को तब ढोवा ए पहाड़िए खूनी हाथी नु लोहगढ़ दे वल चढ़ाउणा चाहुंदे हन हुण सिंह गए घोड़े असवारा सिंह सूर में भी घोड़ियां ते असवार हो करके चले चल पए ने लोहगढ़ वल नु लोहगढ़ी को द्वार निहारा जा करके भाई उदय सिंह जी ने ते भाई बचित्र सिंह जी ने अपना लोहगढ़ दे किले दा दरवाजा वेख्या है नाहर सिंह वीर बिसाला भाई नाहर सिंह जी जो बड़े बलि सूर में हन बीच थिरे लै सिंगन जाला बहुत ज्यादा सिंगा नु नाल लै करके भाई नाहर सिंह जी अंदर डटे हुए हन काष्ट प्रिष्टा हाथ संभारे लक्कड़ दी भारी बंदूक भाई नाहर सिंह ने अपने हाथ विच संभाली हुई है डाल दो गोरी हुआ कर त्यारे दो गोलियां पा करके त्यार पर त्यार खड़ा है गुरु का योदा छोरत बैरी हेरत आए जदों वधी हुई पहाड़ी सेना आउंदी वेखी छड्डन लग पए ने गोलियां सूर में उत्साह वीर बधाए तो जदों भाई बचित्र सिंह जी ते भाई उदय सिंह जी आए हन बहुता उत्साह दिता दे सूरमिया दे हौसले वधाए हन श्री प्रभ हुआ रक्षा कर भारी सिंगो सूरमियो मालिक सतगुरु कलगी तर सचे पातशाह अंग संग सहाई होणगे रखिया करनगे नाम सो लीजा जय रणकारी सतगुरु जी दा पवित्र नाम अपने मुख तो लैणा करो सतगुरु जी दा नाम लैंदे ही रण दे विच जंग दे विच जित होवेगी जय जयकार हो जावेगी चंचला छंदा शेर सिंह दूसरा भाई शेर सिंह जी जो दूसरे जरनैल हन सजूथ नाथ बीच किले लोहगढ़ दे किले दे विच दूसरे सो जथेदार हन भाई शेर सिंह जी त्यार जंग खेत को रवि जंग दे मैदान दे विच जान नु त्यार पर त्यार खलोते हन सो लोह कोट पौर तीरा लोहगढ़ दा जेड़ा दरवाजा उस दे नेड़े खलोते हन भाई सो शेर सिंह जी नाहर सिंह जी सैन सैल नाथ की जड़ी सो पहाड़ियां राजां दी जड़ी सेना है बहुत ज्यादा विशाल हेल काल काल बहुत ज्यादा हल्ला करदी वधदी आ रही है मार मार बोलती मार लो बोल रहे हन सारे पहाड़िए पुकार पूर डाल डाल बहुत ज्यादियां पुकारा उठदिया ने रौला उठ रहा है श्री गुरु बिलोकते सतगुरु कलंगी तर सचे पातशाह महाराज जी सारा तमाशा वेख रहे हन तंग थान पैथे रंता जेड़ा दमदमे साहिब वाला उच्चा स्थान है उत्थे सतगुरु जी तख्त ते बैठ करके सब कुछ वेख रहे हन जंग मैं उमंग कै जंग दे सतगुरु जी वेख रहे ने कसूर में बहुते उत्साह फंग संघ भंगे अंत सो गोलियां मार मार के नाश कर रहे हन वारियां नु गोरियां दोरियां सिंघा सूरमियां ने दो दो गोलियां दो पास्यों गोलियां चलिया हन सिंघा ने भी दो दो छड़ियां हन पा करके सो छोरियां शरीर फोर फड़ दित्तियां हन पहाड़ियां दा शरीर पाड़न वास्ते गेरियां कनेरियां बहुत ज्यादियां लोथा उल्टा सुटियां पहाड़ी सेना दियां बिखेरियां जे लोथ घोर बहुतियां भयानक लग रहियां ने खिलरियां होईयां पहाड़ियां दियां मुंड तोंड टूट गए पहाड़ियां दे मुंह ते सिर तोड़ सुट्टे ने योद्धियां ने प्रचंड ही घमंड काल बहुता तिखा जंग पा दिता काली दे नाल गोलियां दा टूट हाथ पाएगी हाथ पैर टूट गए हन पहाड़ियां दे ओ जंग कंध सरोण डाल कईयां दियां लत्तां वड्डियां गईयां हन कईयां दे मोढ़ियां च लहू चल रहा है नैन कान नाक ओठ कईयां दे सो अखां कन्न नक ते बुल जड़े हन गरीब पाल सीस लाग धौण मत्था सिर तक सिंघा
सूरमिया ने गोलियां भरा दित्तियां हन ऐसे ऐसे इन्हां दे नक कन्न बिन सुट्टे हन होर देत गोरियां गोलियां नाल पहाड़ सुट्टे हन सिंघां ने पहाड़िए वध दे आउंदे उतार देत कांह पाग कई सिंह सूरमे हास रस नाल गोली मार के पहाड़ियां दी पागी ला रहे हन सवैया बाण सटा सट छूट चले सटा सट करदे होए काली नाल तीर छुट चले हन गण वीर कटा कट होन लगे ऐसा जंग मच पिया के बहुते सूरमे कटा वड होन लग पए हन नाद चटा पट उठत दी रगा बहुत ज्यादा भयानक छेती दे नाल आवाज उठती रौला उठन लग पिया जंग विच होत हटा हट सूर अगे सिंह सूरमे एक दूसरे नू अगो हटा करके अगे वध दहे हन देखण भीखण मार मचे सिंघां ने बहुती तिखी भयानक मार मचा दिती है जंग विच राज श्रावण रची पट चीर पगे सिंघां सूरमिया दे जेड़े बस्त्र हन ओ लहू नाल भिज गए ने लहू दा चिक्कड़ हो गया धरती दे उत्ते लहू मिजदा अंगन भंग तुरंग पए घोड़िया दे अंग नास कर सुटे हन लत्ता वढ़ दित्तियां ने घोड़िया दियां के पेट फटे रण खेत डिगे कईआं पहाड़ियां दे ढिड पाटे पए हन जंग दे मैदान दे विच डिगे पए हन छूछ फिरे है नावत है कई पहाड़ियां दे घोड़े खाली फिरदे हणक रहे हन है हाक पुकारत है कह को कई सूरमे अपने घोड़िया नू हाका मार मार के लागे बुलाउंदे हन भारत दूसर होत भयो जाना कवि भाई संतोख सिंह जी कहंदे हन श्रोता जनो जानो के दूसरा ही महाभारत दा जंग हो रहा है मार मरे के ठा पट दो कईआं थावां ते दो दो सूरमे मार मार के मर रहे हन गुथम गुथा हो गए हन धूल उड़ी अंधकार भयो इतना भयानक जंग होया है धूड़ उड्डी हैनेरा छा गया है बड़ धूम उठे जन बार दो इतने भारी धूड़ उड्डी है जानो के बदल ही हो गए हन आकाश दे विच ओए प्रकाश बरूद तुख है जदों बरूद तुखदा बहुता प्रकाश हुंदा है तड़ता समता कह पावत सो जदों बरूद चलदा जानो के बिजली दे सो समता पाउंदा बिजली दी बराबरी करदा बिजली वांगू तड़क करके चलदा है रसावल छांदा दए ब्रिंद निजे बहुत ज्यादे निजे दे करके गहलूरी सो भेजे कालूरिया भीम चंद ने अपने सिपाही अगे भेजे हन मतंग है पिछारी जेड़ा मस्त हाथी उसके पिछे लाए हन अपने सिपाही उसने नेजे दे करके करो जाए मारी कहिंदा जा करके नेजिया नाल चलाउणा करो मार करना करो जा करके किते होए दाए किन्ने के उसके सिपाही सज्जे पासे हो गए हाथी दे दिजा चोक जाए जा करके नेजिया दियां चोकां मारन लग पए हन किते बाम पासे किन्ने के खब्बे पासे हो गए हन पहाड़िए फिरो जाए रासे लगा खब्बे पासे हो करके गुस्से दे साथ टिकना करो जहाँ कोट पौरा जिथे जा करके लोहगढ़ दा दरवाजा है चलै ताहे ठौरा उस वाल नू मुंह करके हाथी नू तोरना करो हटे ना है जैसे जिस प्रकार हाथी खूनी किसे प्रकार हटे ना पिछे करो कार तैसे जिस प्रकार दा कार्य करना करो सुने भूप बानी अपने राजे भीम चंद दा ऐसा वचन सुनिया ऐसी गल सुनी हुक्म सुनिया इन्हां पहाड़ी ने पहाड़ी सेना ने करे सावधानी सावधानी कीती है बड़ा फील प्रेरा बड़ा जड़ा हाथी मस्त खूनी उसनु प्रेरणा शुरू कर दिता है महा मत घेरा बहुत ज्यादा जड़ा मस्त होया हुआ शराब दे नाल मनो सैर सिंगं कवि जी कहिंदे जानो के पहाड़ दा टिल्ला ही अगे वध रहा इतना मस्त होया हाथी इतना उच्चा लम्मा है चलियो जाओ मतंगं इस प्रकार मस्त हाथी चल रहा है फुंकारे कराला बहुत भयानक फुंकारे छड़दा है महा ओज वाला बड़े भारी बल वाला है खूनी हाथी प्रेरा पहाड़ी सेना ने नेजिया दे नाल प्रेरिया अगे नू चिंगारा बडेरा बहुत ज्यादा उच्ची चिंगार छड़दा है कनी कैप पानी बहुत ज्यादा तिखी शराब इस नू प्याई हुई है चलियो अगर थानी अगे लोहगढ़ दे स्थान वाल नू चल पिया खूनी हाथी पदांती हजारा हजारा ही जड़ी पहाड़ियां दी सेना है मिले हैं पिछारे इस दे पिछे मिल करके खूनी हाथी दे चल रहे हन तुरंगा नचाए अपने घोड़िया नू नचा रहे हन पहाड़िया सिपाही पए बाम दाए खब्बे दे सजे पासे हो करके हाथी दे चल रहे हन कुजंग प्रयात छांदा चलियो केसरी चांदा लीनी कमाना ए जड़ा जसवालिया केसरी चांद राजा है ए भी हाथ विच कमान पकड़ करके चल पया जंग न गए बाण तीखे गुनंग संध ताना एने तिखे तिखे तीर पकड़ के अपनी कमान दे विच संझ लए हन प्रहार है चले साम है कोट प्रवा लोहगढ़ दे दरवाजे वाल सामने तीर छड़दा है वलन लग पया केसरी चंद सेना दे समेत करी हाल हुलंग परयो पूर रौरा हला हूल कर दे पहाड़ी सेना पै रही है बहुता रौला उठ रहा है पयो भीम चंदंग किती दूर पाछे जड़ा मूर्ख भीम चंदा किन्ने
दूर पिछे खलोता लोग तो कदे सिंह ना बहर आ जान। फतेह कोट कह इमंग चीत बांचे। दूर खलोता होया अपने मन विच सोच रहा है कि आज लोहगढ़ दा किला सर हो जावेगा, मेरी वड्डी इच्छा पूरी होवेगी। कटोचिया हंडूरी होते और राजे, जड़े कटोचिया कमांड चंद, हंडूरिया भूप चंद, एतक जड़े होर राजे हन पहाड़िये। भये बाम दाए जले युद्ध काजे, जड़े खूनी हाथी दे सज्जे खब्बे हो गए, युद्ध दा भारी कार्य करन वास्ते चल पए ने सारे। बहु सिंह जोधे गुरु आप भेजे, दोवे आतरथी सूरमे गुरु कलंगी तर सच्चे पातशाह महाराज जी ने हाथ थापड़ा दे के जंग विच भेजे हन। बरे कोट मैं जाए लीने सोने जे, आपो अपने नेजियां वर्षियां नूं पकड़ करके दोवे सिंह सूरमे लोहगढ़ दे विच प्रवेश कर गए हन। जिते सिंह संगी करे जोर आए, इन्हां दोहां सिंघां सूरमियां दे जिन्ने भी संगी सिंह हन जिन्हां दा प्रेम है इन्हां दोहां सिंघां दे नाल, ऐसे सिंह सूर में योर पाके ना दे नाल आए हन। तुफंगे प्रहारे तड़ाके उठाए, सिंह सूर में गोलियां चलाउंदे हन, तड़ाक तड़ाक दी आवाज उठदी है। दोहरा हो तो अगम पर मोर्चा, सो अगमपुरा एक नगर है, माता जीतो जी दा जिथे सो सचखंड जान दा स्थान है, माता जीतो जी दा जिथे देहरा है उथे अगमपुरा पिंड है, अगमपुरा उसका अजे तक नाम वजदा है, उस अगमपुरे का मोर्चा जरा होलगढ़ किला है जिथे सतगुरु सचे पातशाह जी का हुण स्थित कमसाना, उस अगमपुरे मोर्चे दे विच होलगढ़ किले दे अगे इन्हां पहाड़ी सेना ने कमसान दा जंग पा दिता है। तेरा सिंह छोरा है नहीं, सिंह सूरमे होलगढ़ किले दे अंदर टिके हुए हन, छड़ नहीं रहे, डट रहे हन अंदर। अरे पहाड़ी आन पर बहुत ज्यादा पहाड़ी सेना आन करके पै गई।